Hello everyone, welcome to our channel for improving our English. So, analytical paragraph for class 10th boards 2022 because 22 के boards आ रहे हैं आप लोगों के और class 10th में एक writing section का analytical paragraph आने वाला है जैसा कि मैंने बोला था जो कि boards preparation में बहुत important है. So, what is an analytical paragraph? तो analytical paragraph होता क्या है पहले ये समझते हैं क्योंकि writing section में analytical paragraph या letter में आपको choice मिलने वाले class 10th के writing section में इंग्लिश के. सो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन चार्ट. तो उसमें आपको एक चार्ट दिया जा सकता है, ग्राफ, डाटा, आउटलाइन, क्लूज, टेबल. सो व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू कवर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड. तो आपको फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो दिया रहता है चार्ट, ग्राफ, उनको ढंग से आपको बताना है. तो ग्राफ में, चार्ट में, पाई चार्ट में, स्ट्रक्चर में, टेबल में आपको मिल सकते हैं कोई भी डाटा और उसके ऊपर आपको जो है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको पैसेज, पैराग्राफ लिखना है. ठीक है गाइस, पैराग्राफ लिखना है उसके ऊपर. तो ये होता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट क्या होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे कैसे अब, है ना, आपको मैंने बता दिया एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, अब लिखे कैसे ये जान लेते हैं गाइस. सो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें बॉडी ऑफ द पैराग्राफ होता है एंड कंक्लूजन लास्ट में होता है. ये तो छोटी बातें हो गई. अब फॉर्मेट ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज लाइक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेन इन वन और टू लाइंस द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ. तो ग्राफ में है क्या ये समझाना पड़ेगा आपको पहले. ठीक है गाइस, बॉडी में, ग्राफ में क्या दिया हुआ है ना, और बॉडी में यू हैव टू ऑल एक्सप्लेन द इन डिटेल द व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट. तो पैराग्राफ किस बारे में ये आपको डिटेल में समझाना है, रिलेवेंट फिगर समझाना है, एक्सप्लेन करना ट्रेंड्स कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है इस ग्राफ में, इस साल ये हुआ. ठीक है, मेक कंपैरिजन, सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कि 2017 में इतने लोग थे फिर 18 में इतने हो गए. कॉन्ट्रास्ट करो, कंपैरिजन करो एनालिटिकल पैराग्राफ में. डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ, उसको एक ही पैराग्राफ में ना लिखते हुए चले, उसको सब सब पैराग्राफ में आप लोग जरूर डिवाइड कर दे. ठीक है गाइस, सो इफ रिक्वायर्ड. ओके, सो कंक्लूजन में कंक्लूड कर दे पैराग्राफ को, ओवरऑल व्यू दे के, समरी दे करके पैराग्राफ की. ठीक है, तो ये फॉर्मेट था. अब सिंपल क्वेश्चन पेपर और एग्जांपल दिखेंगे, करके सीखने से आएगा गाइस, तो हम ये करेंगे. सो एनालिटिकल पैराग्राफ आपको जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, SQP, मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसा एक एनालिटिकल पैराग्राफ आया था जिसमें कि एक्सपीरियंसिंग फीलिंग अपसेट, तो सेटबैक के ऊपर सिचुएशन था और ये एक टेबल टाइप आपको दे रखा है. इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन व्हेन वन फेसेस सेटबैक. तो जब किसी को सेटबैक मिलता है तो वो कैसे कैसे सिचुएशन फेस करता है उसको लेकर के आपको इस टेबल में से पैराग्राफ को और लिखना था. ठीक है, पैराग्राफ या पैसेज आपको लिखना था. ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप के ग्राफ को लेकर के आ सकता है. बिलो इज अ ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट्स इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2021-01. सो राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ 100 टू 150 बर्ड्स. तो इस पे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था. तो ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको इसको लेकर के इसमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इसको डिस्क्राइब करना है, इसको बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना है इन पॉइंट्स को. ये नेगेटिव में, पॉजिटिव में, हेल्दी प्रोसेसिंग और इन हेल्दी इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुल्ली, ऐसे करके आपको इनको सेंटेंस में बना देना है, बस फिर आपका एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाएगा. आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे हमें, लिंक सब पे डिस्क्रिप्शन में. आई होप दैट गाइज यू ऑल लाइक दिस वीडियो विच वॉज अपॉन एनालिटिकल पैराग्राफ. और एक बार और बता दूँ आपको एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट वगैरह को लेकर के आप करते हो उसमें. सो एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, बड़ा लिखना होता है, 120 टू 150 वर्ड्स में होता है और ये आपका आने वाला है 4 टू आपका ये 6 नंबर में आने वाला है आपका 10th में बोर्ड्स में. ठीक है गाइस, तो इसका फॉर्मेट आप समझ जाएं, पहले इंट्रोडक्शन लिखे, फिर बॉडी लिखे, प्रॉब्लम कंपेयर करें, ट्रेंड्स क्या रहे, फिगर से रिलेटेड बताएं और फिर आप लोग उसको एक हाथ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा. आप सैंपल पेपर वाला सॉल्व कर लें, उसमें सारे पॉइंट्स इनको सेंटेंस बनाना है आपको खाली इस टेबल से पॉइंट उठा करके. ठीक है गाइज, आई होप दैट यू लाइक. सो थैंक यू सो मच.